नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज गुजरात में विधानसभा का नतीजा आते ही गुजरात में बीजेपी खिलते ही सरकार बनाने की पूर्ण तैयारियां जोर शोर के साथ चलने लगी है। वहीं पर आने वाला समय 12 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री के दावेदार फिर से मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात की सिंहासन फिर से संभालने वाले हैं। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ताजपोशी की तारीख 12 दिसंबर 2022 को दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं पर गुजरात के बीजेपी की पूर्ण बहुमत और जीत के साथ गुजरातवासी बहुत ही खुश हैं और जगह जगह पर लोगों की खुशियां देखने को मिल रही है और कार्यकर्ताओं कार्यालयों में नाच गाना और ढोल मजीरा के साथ खुशी बांट रहे हैं। मुंह मीठा भी चल रही है। इसी सूत्रों के माने तो हर जगह आला कमान को भी ताजपोशी के में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए नेताओं को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं गुजरात से। वहीं पर कुछ चटपटा बताते चलूं कि गुजरात में पिछले कई महीनों से विभिन्न दलों के अपनी दावा कर रहे थे कि मेरी जीत होगी और मेरी जीत होगी। वहीं चुनाव या धारा का धारा रह गया है। आज गुजरात में पूर्व बहुमत से बीजेपी आने का मतलब उत्तर प्रदेश की मॉडल सबको गुजराती भाई को पसंद आ रहा है। वहीं पर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी चुनाव प्रचार के दौरान जाते हैं तो लाखों की संख्या में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन भाषण सुनने के लिए बहुत से लोग आते हैं। उनको देखते ही ने के लिए भी बहुत से लोगों ने आए हैं। आज वहीं पर आम आदमी पार्टी भी 5 सीटें मिलने के बाद पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री खुशी की जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि 5 सीटें देखा जाए तो दिल्ली में के मुख्यमंत्री सीएम जी केजरीवाल जी या ज़्यादा पसंद इसलिए हैं कि पहली बार में ही 5 सीटें उनके पाले में आया है। यह बहुत खुशी का बात भी है और बहुत ही जो है सुंदर बातें हैं कि उनकी जो छवि है 5 विधानसभाओं में यह अच्छी मानी जा रही है। तो यह है आज का परिणाम। आज 8 दिसंबर 2022 है और नतीजा आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, गुजरात का और उत्तर प्रदेश का। हर जगह हो चुका है। दिल्ली में MCD चुनाव को लेकर भी आप परिणाम देख चुके हैं 7 दिसंबर 2022 को। वहीं पर आज गुजरात आप हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और अनेक जगहों का जो आप विश्लेषण देखे हैं या विधानसभा चुनाव हो या MCD का चुनाव हो, हर जगह जो है या लोग अपने लोकतंत्र की शक्ति का पौंड और मजबूती के साथ जो भी किया गया वह लोगों ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग लिए और उसी का नतीजा रहा कि 7 दिसंबर को MCD का चुनाव का नतीजा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी जीत हासिल हुई। वहीं पर हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी लोकतंत्र का त्यौहार मनाया गया था और आज जो है नतीजा देख रहे हैं। तो हम फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।